तो कैसे हो मेरे भाइयों, मैं यहाँ पे हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो यहाँ पे देखिए, मेरा जो भाई है उसने यहाँ पे देखिए बोट का जो स्टॉर्म वॉच आता है वो ऑर्डर किया है यहाँ पे। तो ये बेसिकली 2500 का आता है, लेकिन मैंने इसे सेल में शायद 1800 का कुछ ऐसे ही लिया है, मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता, मेरे भाई को पता है। तो मैं इसका अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए इसके फीचर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए 3.3 सेंटीमीटर का इसका जो डिस्प्ले रहता है वो है, 2.5D मतलब फुल टच डिस्प्ले है। और SpO2 जो ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर रहता है आपका, ऑक्सीजन लेवल वो सब मॉनिटर कर सकते हैं। 24/7 हार्ट रेट मॉनिटर कर सकते हैं आप। और इसका जो मेटल बॉडी केसिंग है वो आपको यहाँ पे जो इस वॉच में है देखने के लिए मिल जाएगा। जो केस है इसका, जो ऊपर का हिस्सा सा है, बाहरी हिस्सा जो है वो आपको मेटल का देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह का ये बॉक्स आता है। तो पहले किसी और तरह का बॉक्स आता था ये, मतलब स्क्वायर टाइप में रहता था, लेकिन अभी ऐसा हो गया ये रेक्टेंगुलर में। तो यहाँ पे देखिए बॉक्स का कुछ ऐसा लुक है जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे और भी सारे फीचर्स हैं, आप चाहे तो इसे अपने मोबाइल के जरिए कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कनेक्ट जो एंड्रॉयड 4.4 के ऊपर है अगर आपका, तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। iOS 8.0 अगर आपका है तो उसके ऊपर आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसका अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ओपन करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो यहाँ पे पहले से ही मेरा जो वॉच है ऑन है, मतलब ये पहले ही मैंने इसको ओपन कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए बोट हेड का यहाँ पे देखिए स्टिकरिंग देखने के लिए मिल जाएगा आपको, तो आप इसे कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं वॉच की तरफ। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे वॉच को अपने हैंड में लेता हूँ। तो देखिए ये हैंड मैं इसे निकाल लिया हूँ। तो निकालने के बाद देखिए कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा फील। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ और, अगर आपका वॉच ऑन नहीं हो रहा है तो आप इसको चार्ज में लगाइए, ऑटोमेटिकली ये आपका वॉच जो है ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे इसका पीछे का देखिए कुछ ऐसा लुक दिखेगा आपको। तो ये बेसिकली यहाँ पे आप चार्जिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का लुक है इसका। और यहाँ पे देखिए बटन दबाने से आप देखिए यहाँ पे वॉच वगैरह का यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ पे जो आपका नोटिफिकेशन वगैरह आप मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा वॉच है, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस मूड दिखेगा। अगर आप राइट में स्वाइप कर रहे हैं, लेफ्ट में स्वाइप कर रहे हैं, तो आपको डिफरेंट मूड्स देखने के लिए मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए स्पोर्ट्स मोड है, हार्ट रेट मोड है, ब्लड प्रेशर मोड है, ब्लड ऑक्सीजन। तो आप पहले इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लें, उसके बाद आपको पूरा फीचर्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये सब फीचर्स हैं इस जो बोट स्टॉर्म है। तो काफ़ी एक अच्छा जो आपको मतलब कम रेंज में, अगर आपको बजट जो वॉच होता है, जो स्मार्ट वॉच होता है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ पे अपने फ़ोन का मैसेज वगैरह, नोटिफिकेशन वगैरह सब यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मॉनिटर मतलब सॉरी मॉनिटर बोल रहा हूँ मैं, ये काफ़ी अच्छा वॉच है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर मान लीजिए आपके जो फ़ोन है, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, अगर मान लीजिए आपका फ़ोन कहीं पे पड़ा हुआ है आपको नहीं पता, तो आप यहाँ पे देखिए जियो लोकेशन का यहाँ पे अनेबल कर सकते हैं। तो आपका लोकेशन बता देगा और कॉल वगैरह आप यहाँ पे जो यहीं से आप अपना कॉल वगैरह पिक कर सकते हैं। तो ये सब फीचर्स हैं इस सब वॉच के। तो यहाँ पे शायद मैंने एक चीज़ गलत बोल दिया, शायद पिक नहीं होता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। शायद यहाँ पे बस कॉल नोटिफिकेशन तो दिखाएगा, लेकिन मैं अभी चेक नहीं किया हूँ कि कॉल आप पिक कर सकते हैं कि नहीं, शायद रिजेक्ट कर सकते हैं, तो इस बात का आप ख्याल रख लें। तो हम इसको रखते हैं साइड में अपने वॉच को, और देखते हैं बॉक्स के अंदर कैसे चार्ज होगा। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक जैसा है ये। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कैसे आपको चार्ज होगा। तो यहाँ पे देखिए बॉक्स के अंदर ही आपको, इसके अंदर आपको एक चार्जिंग मिला होगा USB 2 वो मैग्नेटिक जो आता है केबल। तो यहाँ पे मैं इसे ओपन करके आपको दिखाता हूँ, रुकिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का देखिए USB यहाँ पे है, और ये हमारा जो है यहाँ पे देखिए ये साइड आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं ऐसे है, ये मैग्नेटिक स्ट्रिप चार्जिंग है। तो अब मैं वॉच को यहाँ पे लाता हूँ, और यहाँ पे देखिए अब जैसे ही यहाँ पे मतलब इसको रखेंगे तो अब सॉरी ये ऑटोमेटिकली आपका देखिए यहाँ पे ऐसे यहाँ पे अटैच हो जाएगा और बाद में डिटैच हो जाएगा। तो ये आप जैसा सोच रहे हैं कि लगाने के बाद ये क्या यहाँ वहाँ पे स्लिप करेगा, स्लिप नहीं करेगा, काफ़ी हार्ड ये जो मैग्नेटिक इसका अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा है। तो आप इजीली इसे देखिए यहाँ पे ऐसे लगा के ऐसे रख दीजिए, और यहाँ पे जो आपका USB है आप किसी भी नॉर्मल जो आपका अडाप्टर आता है फ़ोन का अडाप्टर लगा के चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको चार्ज करना है। तो यहाँ पे बैटरी लाइफ की बात करूँ तो ये आपको मैक्सिमम 1 वीक देता है ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन मैं बहुत सारे रिव्यूज़ देखा हूँ, वो लोग बोलते हैं कि मतलब 6 डेज या 7 डेज चलेगा। ये डिपेंड करता है कि आप इसे कितना चलाते हैं, कितना आपका यूसेज रहता है, उसके ऊपर भी डिपेंड है कि ये कितने टाइम तक लास्ट करेगा। तो मिनिमम तो 6 डेज है, लेकिन आपका 8 डेज 10 डेज भी जा सकता है, आपके चार्जिंग
चलाने के ऊपर डिपेंड है। तो इस तरह का ये सब फीचर्स हैं इसमें, अगर आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में आपको सॉरी जो यहाँ पे है लिंक वगैरह मिल जाएगा फ्लिपकार्ट का, अमेजोन का, आप जाके परचेस कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो बने रहे हमारे चैनल पर। अगर आपको कोई डाउट है, सवाल है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।